बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मोइन अख्तर शो के साथ मोइन अख्तर हाजिर है। टेलीविजन पे आपने बहुत सारे गाने वालों को सुना, लेकिन एक ऐसे दोस्त से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ जिसने वैसे तो बहुत सारे गाने गाए, लेकिन एक गाना आज भी है जो हमारे दिलों के नज़दीक महसूस होता है। उसकी तारीफ क्या करूँ, सारी दुनिया में वो जाना और पहचाना जाता है। आज उनको और उनकी बेगम को यहाँ पर दावत दी है हम लोगों ने। ख्वातीन हज़रात इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रहे हैं हमारे मुल्क के नामवर गुलूकार जुनैद जमशेद और उनकी बेगम। सलाम अलैकुम। कैसे हैं जुनैद? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, खैरियत से। पहला तजर्बा है बेगम के साथ किसी टेलीविजन के शो में जाने का? हाँ, मेरा ख्याल है पहला ही तजर्बा है। सोच ले, हो सकता है दूसरा भी हो, तीसरा हो। एक दफा पहले कभी गए थे, लेकिन मतलब आपके सामने पहला तजर्बा, और आपके सामने जो तजर्बा है वो बहुत कठिन होता है। नहीं, मैं तो बहुत रिलैक्स्ड आदमी हूँ, बहुत अच्छा आदमी। नहीं, मेरा मतलब है कि आपका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है, तो इसलिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। आज पहली दफा मैं आपको देख रहा हूँ कि आप कुछ नर्वस से हैं, वरना आप तो बड़ा बोलते हैं। बिल्कुल। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, और अब आप तशरीफ ले जाइए। जी हाँ, बाहर स्टूडियो से जाइए, क्योंकि हम आपकी बेगम से आपके बारे में कुछ सवालात करेंगे, फिर आपको बुलवाएंगे और जवाबात चले करेंगे। थैंक यू। और अब सवालात लेकर मेजबान आ रही हैं, टेलीविजन की आर्टिस्ट हैं, इस्तकबाल कीजिए समन आगा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। खैरियत से हैं? जी अल्लाह। घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा। रिलैक्स हैं? जी। बिल्कुल आराम से हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्की बात है? जी। ओके, जो मैं सवालात करूंगा उसके तेजी से, कितनी टेंस क्यों हो रही है? नहीं, क्या बात है, आराम से। ओके, अच्छा, जो सवाल करूंगा उसका तेजी से जवाब देना है आपको। ठीक, नहीं सोचना नहीं, मतलब इसलिए कि सवालात में किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपके शौहर के बारे में करूंगा, तो उसमें सोचने की क्या जरूरत है? किसी किसी सवाल में शायद सोचना पड़े। अच्छा ओके, एक आध सेकंड की इजाजत है। ओके, सुना है जुनैद को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। पहले आता था, अब थोड़ा सा कम आ गया। नहीं, पहले क्यों आता था और अब क्यों कम हो गया? शायद टाइम के साथ, या फिर बच्चे, मतलब क्या टाइम से झगड़ा करते हैं? 6 बजे से 7 बजे तक झगड़ा? झगड़ा तो नहीं। 7 से 8 बजे तक गुस्सा, 9 बजे से 11 बजे तक फिर गुस्सा, नहीं फिर रिलैक्स, फिर कोई 2 बजे से 3 बजे तक गुस्सा? झगड़े की बात करें तो झगड़ा तो नहीं। नहीं, मैंने गुस्सा पूछा है। तो गुस्से का ताल्लुक तो बहुत सारी चीजों से होता है। जुनैद अपना कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? अगर गुनगुनाते भी हैं तो मेरे सामने तो नहीं, स्टूडियो वगैरह में आगे पीछे कहीं गुनगुनाते होंगे। इतनी खौफनाक तो नहीं है आपके आपके सामने गुनगुनाएं? लेकिन ये है कि कमरे में जितनी देर अगर वो घर आते हैं तो वो गाना नहीं गुनगुनाते। ओके, आप उनसे कहाँ ले जाने की जिद करती हैं? मैं ज्यादातर जिद यही करती हूँ कि बच्चों को कहीं ले जाएं। मतलब उनके बहाने आप भी चली जाएंगी? जी बिल्कुल, है ना, यही बात है ना। ओके, किस जगह आपको ले जाना पसंद करते हैं? कहीं भी। घर में ज्यादा बात किसकी मानते हैं, बच्चों की, नौकरों की, या आपकी? मेरी। अच्छा, एक बात बताइए कि ये सिंगर्स में जुनैद का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? सिंगर्स में ये है, अली हैदर भी है, और बाकी बाकियों की जरूरत नहीं है। ठीक है, गाओ के। सलमान अहमद है। अच्छा, सलमान अहमद है। किस सिंगर के गाने घर में सुनना पसंद करते हैं? हम तो किसी के नहीं सुनते। सवाई जुनैद के। सिर्फ सिर्फ मियां के गाने चलते हैं हमारे घर में, किसी और के नहीं चलते। नहीं चलते। अच्छा, जुनैद ने कभी अपने जूते पॉलिश किए? मेरे होते हुए तो नहीं, बाहर किसी टूर वूर पे किए। अच्छा, मुल्क से बाहर जाकर कितनी दफा आपको फोन करते हैं? ज्यादा नहीं करते। अच्छा हाँ, इसीलिए छोड़े। टाइम नहीं। अच्छा, जुनैद ऊंची आवाज में बात करते हैं या धीमे लहजे में? नहीं,
ऊंची आवाज में सुनाई देते। नहीं करते। क्या कॉन्सर्ट के सारे पैसे आपको लाके देते हैं? जी। ये इसमें कोई तंज है कि जी जी ये क्या बात है? नहीं नहीं सारे मुझे सारे पैसे लाके देते हैं। आपके लिए कभी शॉपिंग करते हैं? मेरे लिए जी जब टूर पे अकेले जाते हैं तो शॉपिंग करके लाते हैं। अच्छा, किसी तकरीब में जाते हुए कभी कोई खास लिबास पहनने की फरमाइश करते हैं? अगर मैं पूछूं तो फिर बता देते हैं कि क्या। वैसे नहीं बताते? वैसे मेरे ख्याल से इतना टाइम ही नहीं होता। अच्छा, जिस रोज फारिग हो उस रोज घर में क्या करते हैं? क्या करते हैं? रिलैक्स। ओके, कोई ऐसी खाने की चीज जिससे बहुत चिढ़ते हैं? बैंगन। बैंगन, भिंडी, बैंगन। ये याद रखिएगा, भिंडी ये याद रखना, भिंडी और खुदा की कसम मैं भी चिढ़ता हूँ इनसे। वैसे बता। अच्छा, कॉन्सर्ट अच्छा हो तो क्या घर में आके बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? ओ मैंने तो ये कर दिया, वो बहुत अच्छा कॉन्सर्ट था। बस इतना ही क्या क्या, फिर चले जाते हैं कमरे से? जाए ना जाए, बस इतना ही बताते हैं। अच्छा, ये बताइए कॉन्सर्ट बुरा हो तो क्या करते हैं? बुरा तो क्या करते हैं, बस आके बता देते हैं कि क्राउड अच्छा नहीं था आज। अच्छा, तो खाना शक्ल से पता चल जाता है। अच्छा, उनकी शक्ल से पता चल जाता है। खाना कहाँ बैठ के खाते हैं, लिविंग रूम में, किचन में या बेडरूम में? लिविंग रूम में। लिविंग रूम में। अच्छा, जमशेद सबसे ज्यादा किस वक्त खुश होते हैं? खुशी होते हैं वैसे, मतलब हर वक्त खुश रहते हैं। ओके ओके ठीक है। अच्छा भाई, खुश रहते हैं? खुश रहते हैं, खुश रहे, अल्लाह उनको खुश रखे। अगर किसी जरूरी काम से होते हैं उनको गमगीन तो नहीं। अच्छा ठीक है, तो इसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर किसी जरूरी काम से आप उनको गहरी नींद से उठा दें तो उनका रिएक्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं उनमें, मतलब रिएक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं, क्योंकि वैसे तो वो नींद ही बहुत कम करते हैं। अच्छा, जागते रहते हैं? टाइम ही नहीं। अच्छा, तो मतलब दिन में जागते हैं या रात में जागते हैं? रात में भी, दिन में। ओके, मतलब सोता किस वक्त है वो टाइम बता दें। वो आप उनसे पूछना, मुझे तो फिर मालूम नहीं। बच्चों से किस जबान में बात करते हैं, अंग्रेजी में या उर्दू में? उर्दू में। बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कभी बात करते हैं? जी बिल्कुल। उनकी किस हरकत से आपको अंदाजा होता है कि ये गुस्से में है? बच्चों की हरकत, उनकी हरकत से गुस्से में। मैं आपके शौहर के बारे में। नहीं, आपने बच्चों का नहीं, फिर सवाल पूछा। अच्छा, मैं फिर, उनकी किस हरकत से आपको अंदाजा होता है कि वो गुस्से में है? उनके मुंह से शक्ल बता देती है। मतलब हर चीज मुंह पे लिखी भी होती है? लिखी होती okay. है। मतलब कोई ऐसी वो नहीं करते जैसे मैं आता हूँ दरवाजा जोर से बंद कर देता हूँ, या इस तरह की कोई वो लाउड हो जाता है आदमी नौकरों को पे गुस्सा नहीं करते? उठते हैं कभी? अगर झुंझला उठे, वही तो जानना चाहते हैं कि किस तरह झुंझलाते हैं। जोर से कुछ झुंझुन करते हैं, कुछ जोर से कह देंगे ये नहीं हुआ। अच्छा, ये नहीं हुआ। ओके, घर में ज्यादा दोस्ती किससे है, माँ से या वालिद से? दोनों से बहुत दोस्ती। ये मेरे ख्याल से माँ से ज्यादा। माँ से ज्यादा। जुनैद के वालिद कभी उनके गाने की तारीफ करते हैं? जी करते हैं, मगर माँ ज्यादा करती हैं। माँ ज्यादा, वो शौकीन हैं। जब कभी आप नाराज होती हैं तो जुनैद कैसे मनाते हैं? नहीं बताना जरूरी नहीं, इसका मतलब है डेक ऊंची आवाज में सुनते हैं या आहिस्ता? बहुत ऊंची। फुल आवाज, फुल करके? अच्छा ओके। जुनैद का कौन सा गीत आपने बार बार सुना? यही दिल दिल पाकिस्तान। बस यही एक गाना है? बहुत सारे गाने। नहीं तो मैंने पूछा है कौन सा गीत बार बार सुना। कहाँ पे वैसे, जनरली? हाँ हाँ, घर में। घर में? हाँ, मतलब सड़क पे खड़े होकर तो कोई भी नहीं सुनता। नहीं, जनरली इन द सिटी आप कह रहे हैं। आयशा क्या हो गया है तुम्हें, आज तुम इतनी नर्वस क्यों? अच्छा, कौन सा गीत बार बार सुना? दिल दिल पाकिस्तान। ओके, दिल दिल पाकिस्तान जैसे कौमी नगमे के बारे में क्या कहते हैं? जुनैद यही कहते हैं कि इन्हीं से इनकी पहचान है जुनैद की। अपनी शादीशुदा जिंदगी का कोई यादगार वाकया बताएंगे? यादगार वाकया मतलब कोई है नहीं, है तो बहुत सारे, तो एक आध सुना दो ना हम जरा, हम लोग खुश होंगे ना थोड़ा सा सुन के। याद रखिएगा, इन्होंने कहा बाद में सुनाऊंगी। आपको कैसे अंदाजा होता है कि जुनैद फोन पर लड़की से बात कर रहे हैं? सही सही, तो पता चल जाता है, टोन दूसरी होती है बात करने की, टोन दूसरी होती है ना जी, मतलब सॉफ्ट हो जाते होंगे बहुत। हेलो क्या हाल है? हमसे बात करते हैं, ओ मोइन भाई क्या हाल है, ठीक ठाक। अच्छा, शादी की सालगिरह याद रहती है? शादी के साल का याद रहती है। जुनैद गाड़ी आहिस्ता चलाते हैं या तेज? नहीं, आहिस्ता तो बहुत नहीं चलाते,
आजकल कुछ तेज ही चला रहे तेजी में। साथ में कौन होता है? मैं ही होती हूँ। अच्छा, मुझे मालूम है। सवाल आज खत्म हुए ख्वातीन हज़रात। अब हम आपकी तालियों में जुनैद जमशेद को बुलाते हैं और सवाल टैली करते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ख्वातीन हज़रात, जुनैद जमशेद। अच्छा एक बात सुन लें आप दोनों, कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं होगी ना, आप बताएंगे कि नहीं नहीं ये नहीं है वो नहीं है, बिल्कुल ओके, आप खामोश रहेंगे। जुनैद क्या हाल है? सुना है आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है? गुस्सा तो मुझे नहीं इतना जल्दी आता मतलब इतना जल्दी नहीं आता अच्छा ठहर ठहर के आता है। अच्छा आप अपना कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही। ओके ये आपसे कहां ले जाने की जिद करती हैं? ये बच्चों को लेके कहीं बाहर चले जाते हैं। आप इनको किस जगह साथ ले जाना ज्यादा पसंद करते हैं? इनको इनकी वालदा के घर। घर में ज्यादा बात किसकी मानते हैं, बच्चों की, नौकरों की या अपनी बेगम की? नौकरों की। ये तो गलत पे भी ताली बजनी चाहिए। ओके सिंगर्स में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? सलमान। सलमान किस सिंगर के गाने घर में सुनना पसंद करते हैं? आलमगीर पसंद है मुझे। आपकी आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप। ये तो कह रही है कि ये तो सिर्फ अपने ही गाने सुनते हैं और किसी के गाने नहीं सुनते। ये इससे बड़ा झूठ तो कोई हो नहीं सकता। मैं अपने गाने तो बिल्कुल भी नहीं सुनता क्योंकि ये नहीं सुना जाएगी। ये मतलब इतना वो है, अल्लाह तौबा अस्तगफार अल्लाह, अल्लाह मुझे माफ करे, इतना झूठ आयशा क्या हो गया है। अच्छा ओके कभी आपने अपने जूते पॉलिश किए? नहीं, वो तो यही करती है। मुल्क से बाहर जाकर आप कितनी दफा इनको फोन करते हैं? मुल्क से बाहर जाके हफ्ते में तकरीबन 3 दफा। सही है? अगर सही है तो बोले सही है, झूठ है तो मुंह पे बोले झूठ है। डिपेंड्स किस मुल्क गए। क्या मतलब ये क्या बात है? ये क्या मतलब मुल्क बांध रखे हैं कि अमेरिका जाएंगे तो 3 दफा होगा, जापान से 2 दफा होगा और यूएई से 1-2 दफा होगा। जितना करीब मुल्क होगा उतना फोन करेंगे। अच्छा ओके मुल्क से अच्छा ये ऊंची आवाज में बात करते हैं आप या धीमे लहजे में? धीमे में। आप कॉन्सर्ट के सारे पैसे किसको लाके देते हैं? इसी को देता हूं। आप इनके लिए कभी शॉपिंग करते हैं? मैं इसके लिए शॉपिंग करता हूं। किसी तकरीब में जाते हुए कभी कोई खास लिबास पहनने की आपने इनसे फरमाइश की? नहीं। जिस रोज घर में फारिग हूं उस दिन क्या करते हैं? जिस रोज घर में फारिग हूं। अच्छा ये आप मेरा सवाल क्यों रिपीट कर रहे हो भाई? जिसको मैंने कह दिया अब आप उसको सुनो और जवाब दें। ये कोई एको हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ वहां से जवाब आ रहा है। मैं असल में आपके सवाल रिपीट करते करते सोच रहा हूँ बोलना क्या है। अच्छा जिस रोज फारिग होते हैं उस रोज घर पर क्या करते हैं? उस दिन इसको और बच्चों को बाहर ले जाने का प्रोग्राम होता है। अच्छा। कोई ऐसी खाने की चीज जिससे आप बहुत चिढ़ते हो? भिंडी और बैंगन। उसमें एक करेला और शामिल कर लो। करेला भी था ना। मैं तो ये 3 चीजें अगर पका दो, मुझे अगर चढ़ाना हो तो ये पका दो। ओके कॉन्सर्ट अच्छा हो तो घर में आके बताते हैं आप? नहीं। इसने बोला बताता हूँ, जिक्र भी नहीं करता। पूछती हूँ तो बताते हैं। कॉन्सर्ट बुरा हो तो क्या करते हैं, वो भी आके बताते हैं? नहीं वो भी नहीं बताता। मतलब कोई ऐसी बात है जो बताते हो घर में आके?
अच्छा, खाना कहाँ बैठ के आप खाते हैं, लिविंग रूम में, बेडरूम में या किचन में? उसमें ना लिविंग रूम है ना बेडरूम है। लिविंग रूम। खामोश, बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहा। वो डाइनिंग रूम होता है, अम्मी लगा देती हैं तो बस वहीं साथ बैठ के खा लेते हैं सारा सब लोग। तो ऐसा ही है, इन्होंने कहा लिविंग रूम में आप खाते हैं। लिविंग रूम। शादी को कितने साल हुए? कितने हैं, जोर से बोलिए। 9 साल। 9 साल में ये नहीं पता कि शौहर घर में खाना कहाँ खाता है बैठ के? लिविंग रूम में ही खाते हैं, यकीन करें, लिविंग रूम है हमारा। ये कह रही है लिविंग रूम में, आप कह रहे हो किचन में, किसकी बात सच मानो? किचन में तो नहीं, किचन में आई मीन हाँ, बस वो डाइनिंग रूम जो है अगर okay. उसको लिविंग रूम कह रही है तो। अच्छा चलो, सबसे ज्यादा खुश आप किस वक्त होते हैं जुनेद? सबसे ज्यादा खुश में असल में बहुत सारे मौके हैं मुइन भाई, कोई एक बात? अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी होती है मसलन मैं कार्टून देख के बहुत खुश होता हूँ। सच बताऊं? हाँ। जब कोई अगला अपने किसी गाने की तारीफ करे, मुझे तो तभी होती है। अच्छा ओके, अगर किसी जरूरी काम से आप ये आपको उठा दें और आप गहरी नींद में सो रहे हैं तो आप क्या कैसे रिएक्ट करेंगे? फौरन उठ जाता हूँ। बच्चों से आप अंग्रेजी में क्यों गुफ्तगू करते हैं घर में? भाई थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए, लेकिन मैं इतनी ज्यादा नहीं करता वैसे, थोड़ी बहुत। मैंने सवाल है ना फिरा के किया था। ओके, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कभी आप बेगम से बात करते हैं? आयशा से हाँ करता हूँ बिल्कुल। आप अपनी किस बात से इनको बताते हैं कि आप गुस्से में, किस हरकत से बताते हैं या पता चलता है इनको कि आप गुस्से में? मैं बात नहीं करता, बस खामोश हो जाता हूँ। मतलब एंट्री ली, जरा सा बताएं, एंटर हुए यूं देखा और नहीं, वो इस पता चल जाता है। ये मुझे कहती है आप ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैं कमरे में ही नहीं हूँ, पर वो मेरे से खुद मैं तो खुद ब खुद ही हो रहा होता है मेरे से, मैं क्या करूँ? अच्छा, सब खुद खुद मतलब कोई गैर मरी ताकत आपको कहती है कि साहब आप खुद ब खुद ये सब करें? नहीं, आदमी गुस्से में कुछ ऐसी बात मुझसे कह जाता है कि ओके बाद में वो ओके। घर में ज्यादा दोस्ती किससे है, माँ से या वालिद से? माँ से। आपके वालिद ने कभी आपके गानों की तारीफ की? तारीफ करते हैं आपके वालिद आपके गाने सुन के? नहीं, मतलब ऐसी मतलब उनसे बात ही नहीं होती। अच्छा, मतलब आप नहीं करते या वो आपको लिफ्ट नहीं कराते? वो नहीं बेसिकली लिफ्ट कराते। अच्छा ओके, जब कभी आप ये नाराज होती हैं तो आप कैसे मनाते हैं? जब ये नाराज होती हैं तो बस प्यार मोहब्बत से। मनाता मैं ही हूँ वैसे, इसने नहीं आज तक कभी मनाया, मुझे तो नहीं याद। आयशा तुम इतनी कठोर हो। अच्छा ओके, डेक आप ऊंची आवाज में सुनते हैं या आहिस्ता? डेक मैं अगर अपने स्टूडियो में होता हूँ तो ऊंची आवाज से सुनता हूँ। ये ताली बजाने की बात नहीं है, इन्होंने कहा था घर में बहुत ऊंची आवाज से सुनते हैं, आप ऊंची आवाज में सुनते हैं, ये घर में ऊंची आवाज में डेक बजाते हैं? खुल के बोलिए मुंह पे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी फुल ऑफ पूरा वॉल्यूम खोल? इतना फुल नहीं होता लेकिन अभी, कमरा बंद होता है लेकिन फुल होता है। आयशा अभी इन्होंने कहा था, नहीं कहा है अभी कहा? कमरा बंद है, ये नहीं कि पूरा मोहल्ला सुनेगा। अच्छा, लेकिन ऊंची आवाज। अच्छा ओके, आपका कौन सा गीत आयशा ने बार बार सुना? सच बात तो ये है कि मेरी पिछली एल्बमों का कोई गीत इसने इतने शौक से नहीं सुना, इस सच्ची बात है। इस एल्बम के एक दो गाने हैं जो कि ये कहती है कि हाँ ये इस काबिल है कि मैं शायद थोड़ी देर सुनूं, नई वाली जो जो आने वाली है। कौन सा गाना है इस काबिल है कि सुनूं? मतलब आप बड़ी बोल्ड हो, साफ कह देती हो कि बेकार गाने हैं, बहुत बुरा गाया, खराब है। नहीं यूं तो नहीं, लेकिन जो अगर नहीं पसंद आता तो मैं क्रिटिसाइज कर दूं। तो ये तो कह रहे हैं कि कोई गाना ही नहीं पसंद आता? ऐसी तो खैर कोई बात नहीं कि कोई गाना ही नहीं पसंद। इन्होंने कहा था इनको दिल दिल पाकिस्तान आपका गाना बहुत पसंद है और बार बार सुना इन्होंने। बिल्कुल भी नहीं, ये सफर झूठ है, बिल्कुल भी नहीं। अगर तो ये बोला है, तुम लोग घर से लड़के आए हो क्या पहले? अच्छा, सच तो सच है भाई। ओके, दिल दिल पाकिस्तान जैसे कौमी नगमे के बारे में आप क्या कहते हैं? मेरी पहचान। अपनी शादीशुदा जिंदगी का कोई दिलचस्प वाकया याद है आपको? है, मतलब बहुत सारे हैं। इन्होंने भी यही कहा था ना, बहुत सारे हैं।
तुमको कैसे अंदाजा होता है कि आप किसी लड़की से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं? कितना अच्छा सवाल किया है ना। एक्चुअली इसको पता नहीं कैसे होता है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसको हो जाता है। मसलन क्या? वैसे ही बता जो ना, मजा आ रहा है, बताओ ना प्लीज। कैसे पता चलता है? मेरे चेहरे का रंग बदल जाता है शायद इस तरह। शादी की सालगिरह याद रहती है आपको? शादी की सालगिरह याद रहती है। आप गाड़ी आहिस्ता चलाते हैं या तेज चलाते हैं? जो आदमी गाड़ी तेज चलाता है उसको यही लगता है मैं गाड़ी आहिस्ता चला रहा हूँ, तो मेरा भी शायद यही हाल है। गाड़ी शायद तेज ही चलाता हूँ लेकिन लगता नहीं। आप दोनों सलामत रहें, माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।